हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी के लिए। क्वेश्चन है हमारा, टू मेक पीपल ट्रस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम, ए कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज़ नीडेड इन टुडे सिनेरियो डिस्कस। कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों का ट्रस्ट लेना चाहते हैं और एक ऑथेंटिकेटेड डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए, मींस कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए जिसके कारण हम उनका ट्रस्ट ले सकें। अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सेफ पीपल सेफ फील करें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करने में। इसके रिगार्ड में उन्होंने बताया कि इस सिनेरियो में आप डिस्कस करें। अगर डिस्कस करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे एज ए इंट्रो, एंड देन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेंगे और एंड में जाकर हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द ऑब्जेक्टिव टू डिवेलप ए ट्रिलियन डॉलर डिजिटल कॉम्पोनेंट, $5 trillion नेशनल इकोनमी, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर स्पेस इन इंडिया हैज़ ग्रोन मैनिफोल्ड्स। कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनमी है वो मतलब कि डिजिटलाइज कॉम्पोनेंट हो जाए, वो $5 trillion तक पहुंच जाए, इसके लिए हमें अपनी साइबर स्पेस की सिक्योरिटी को, इसके इम्पोर्टेंस को, मैनिफोल्ड्स को मैनिफोल्ड कर देना चाहिए। बिकॉज ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन इनटू रिमोट एरियाज, अफोर्डेबल ट्रैफिक्स, लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स एंड एक्सपर्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज, ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ स्टार्टेड टू यूज़ डिजिटल साइबर स्पेस। कहते हैं कि साइबर जो स्पेस है इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, डिजिटल पेनिट्रेशन में रिमोट एरिया जहाँ पर मतलब कि हम ऐसे कि बैंक हमारे पास नहीं है, हम पेमेंट वहाँ पर जाकर नहीं कर सकते हैं, रिमोट एरिया पर हम वहाँ से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, अफोर्डेबल ट्रैफिक्स होती हैं, स्मार्टफोन्स का यूज़ करने के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं जिसके कारण कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड देर इज़ कंटिन्यूस राइज इन साइबर क्राइम इंसिडेंट ऑब्जर्व बाई द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी सर्विस टीम फ्रॉम 2017 to 2018। कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज कि साइबर अटैक बहुत सारे हो रहे हैं, जो कौन किसके किसने ये रिपोर्ट दी है, दैट इज़ गिवन बाई एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम 2017-18 के डाटा के अनुसार चल रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू द UN एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इंडियन रैंक्स ऑन द साइबर सिक्योरिटी। कहते हैं कि क्या रैंक है हमारा जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में, इंडिया इज रैंक कम डाउन फ्रॉम 47 इन 2018 फ्रॉम 23 इन 2017। कहते हैं कि 2017 में 23 था, अब क्या कितना हो पहुंच गया है 2018 में 47। दैट मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी हमारी कम है, सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा हो रहे हैं। दीज थ्रेट्स वुड ओनली गेट फर्दर एम्पलीफाइड विद द ऑनसेट ऑफ 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स। कहते हैं कि जो जो थ्रेट है वो बढ़ता ही जाएगा अगर हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इंटरनेट जैसी थिंग्स का यूज़ करेंगे। साइबर स्टैकिंग, साइबर फ्रॉड्स, इन्फो डिवाइसेस, साइबर एस्पॉन्जेसिस, टेरर फाइनेंसिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर सबसेट्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें आती है उसके बारे में बताया गया है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए टिपिकल डे इन अप्रैल 2020 COVID-19 क्राइसिस, गूगल अलोन ब्लॉक 240 million स्पैम मैसेजेस एंड 18 million फिशिंग स्कैम्स। स्कैम्स हो रहे हैं मतलब कि धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉडनेस हो रही है, गूगल ने इतने सारे स्पैम को खुद निकाला है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये स्टेप लिया गया है। सो इन द वेक ऑफ दीज थ्रेट्स देर इज़ एन इमीडिएट नीड टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन। जो हमारे जो थ्रेट्स हो रहे हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इमीडिएटली हम सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन करना चाहिए द पॉलिसीज इन द रियलम। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्कस द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 विच इंक्लूड। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो 2020 की साइबर सिक्योरिटी उसके में क्या क्या इंक्लूड होगा बातें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो द इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स एंड द ओपन एंड वर्किंग ग्रुप्स। कहते हैं कि इंडिया है कि ओपन एंड वर्किंग, सब कुछ खुलेआम रखता है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखता है साइबर के रिगार्डिंग। उसके बाद कहते हैं हाँ मानते हैं कि मेंबर है, लेकिन बोथ अंडर द एजिस ऑफ द UN जेट ए ग्लोबल सेंसेस अनलाइक टू सरफेस इन द नियर फ्यूचर।
So India should consider joining only which existing platform like the Convention on Cyber Crime और Paris Code. कहते कि हाँ भाई ओपन जो हमने तो रखना ही है लेकिन हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान देना चाहिए. इसके लिए भी वो क्या करेगा, ज्वाइनिंग करेगा इन प्लेटफॉर्म्स की. गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट एटलीस्ट 10% ऑफ एवरी आईटी बजट इन द गवर्नमेंट टू अर्नमार्क फॉर साइबर सिक्योरिटी. गवर्नमेंट को 10% आईटी बजट का साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए. द एनसीएसएस एंड द डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर इन कॉम्प्लाइंस विद द पुट्टुस्वामी प्राइवेसी जजमेंट. कहते हैं कि जो जैसे कि हमने कोई एजेंसी बना ली है नेशनल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और इसके लिए जो डाटा आ रहा है वो एक दूसरे को शेयर होना चाहिए, तभी तो काम वन बाई वन अच्छी तरह से चलेगा. और जो पुट्टुस्वामी जजमेंट की जो पुट्टुस्वामी जजमेंट थी उसके बारे में उसके रिगार्ड रखते हुए हमें कोई कानून बनना चाहिए. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स कैन बी ईजिली एवेडेड इफ़ वी कंसिडर सम बेसिक साइबर सिक्योरिटी स्टेप्स लाइक यूजिंग लाइसेंस्ड अपडेटेड सॉफ्टवेयर, यूजिंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पासवर्ड और डिफरेंट सर्विसेज एंड डिवाइसेज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग इरप्शन. कहते हैं कि बहुत सिंपल सिंपल अगर बातें को भी हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है. जैसे कि हमें लाइसेंस इशू करने चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर करना चाहिए जो अलग हो, और जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो पासवर्ड वही सेट करने चाहिए हमारी डिवाइस के लिए. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर और स्ट्रॉन्ग इरप्शन होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड शुड ऑल्सो प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी टू रेगुलेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इशू बाई RBI से भी इट वी कैन बी ग्रेटली सिनराइज एंड अंडर द एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल विच वी ब्रिंग मोर फ्लेक्सीबिलिटी एंड ऑल्सो सीनेटिंग फॉर द रेगुलेशन एज वेल एज इंटाइटिस दे करेक्ट. कहते हैं कि एजेंसी जो बनाई है उसे हमें जो कानून बनाती है उसको फॉलो भी करना चाहिए, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूट पॉलिसी का अच्छे से होना चाहिए. इसके बारे में बात की है. एंड में हम कैसे इंक्लूड करेंगे इसके बारे में, टू कंक्लूड द विजन ऑफ द स्ट्रेटजी इज टू इंश्योर ए स्टेट सिक्योर सेफ सिक्योर रीसाइलेंट ट्रस्टेड एंड वाइब्रेंट साइबर स्पेस फॉर इंडियन प्रोस्पेरिटी एंड फॉर मेकिंग इंडिया ए 5 trillion इकोनमी. कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं, ऐसा विजन रखते हैं कि जो हमारी जो स्टेट है सेफ हो, सिक्योर हो, रीसाइलेंट हो, ट्रस्टेड हो, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइबर स्पेस को हमें वाइब्रेंट को फॉर इंडिया प्रोस्पेरिटी और मेक इन इंडिया के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी अच्छे से बनानी चाहिए ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ कर सके और सिक्योरिटी कायम रहे. थैंक यू वेरी मच.